हेलो दोस्तों, आज हम मूंग दाल का गुजिया बनाएंगे, जिसके लिए मैंने एक कटोरी मूंग दाल ले ली है और इसको बहुत बढ़िया से धो लेंगे, काफ़ी मलमल के धो लेंगे। देखिए जैसे मैंने धोया है, काफ़ी बढ़िया लगता है। आप एक बार बना के देखिए इसको, ये देखिए काफ़ी बढ़िया से इसको धो दो, ताकि इसका जितने भी, वैसे बिना पॉलिश वाली दाल है, आप कोशिश करिए कि बिना पॉलिश वाली ही दाल लें, और इसके सारे दो तीन बार पानियों से धो के निकाल लेते हैं। काफ़ी मलमल के मैंने इसको धो लिया और एक सूती कपड़े पर अच्छा से बिछा के पंखे पे ही रखा, पंखे के नीचे रख करके इसको सुखा लिया। ये देखिए, ये आधा घंटा बाद देखा मैंने, तो अभी दाल मतलब चपक ही रहा है। अभी इसको थोड़ा और सुखा लेंगे। अब ये देखिए, एक एक दाल अलग हो गया और मैंने इसको उठा लिया है, और कढ़ाई गरम करके इसको हम भून लेते हैं अच्छा से सारी दालों को। थोड़ा इसको लो फ्लेम पे ही भूने, बढ़िया से लाल हो जाए अच्छा से, तब तक भून लेंगे इसको। ये देखिए इसका कलर चेंज हो गया है, और इसको अब हम निकाल लेते हैं। एकदम बढ़िया परफेक्ट भून गया है दाल, और इसको ग्राइंडर मिक्सर में बढ़िया से पीस लेते हैं। एकदम बारीक बनाना है इसको, और हम इसमें डालने के लिए शक्कर इसको पीस लेते हैं। और इसको हम बढ़िया से चीनी को भी पीस लेते हैं। ये देखिए मेरा पीस गया चीनी, अब इनको हम निकाल लेते हैं अच्छा, और बाकी का जो सामान है इसमें मिक्स कर देते हैं। ये देखिए मैंने इलायची भी थोड़ी सी शक्कर डाल के पीस लिया है, वैसे अगर बिना शक्कर का पीसो तो पेस्ट अच्छा नहीं इसका बनता है, फाइन पेस्ट नहीं बनता है, इसलिए इसमें थोड़ा शक्कर डाल के पीसिए, बहुत अच्छा बन जाता है, पीस जाता है इलायची। ये देखिए अच्छा पीस गया, और ये नारियल है, नारियल को मैंने कद्दूकस करके थोड़ा हल्का भून लिया है, बिना घी का ही भुना है इसको, सूखा थोड़ा सा लाल हो जाता है। और अब घी डाल करके जो हमने मूंग दाल का आटा तैयार किया है उसको भून लेंगे बढ़िया से। ये सूजी की जगह मूंग दाल का डालिए, बहुत बढ़िया बनते हैं ये। अब इसमें हम आटा डाल देते हैं उसका, और इसको बढ़िया से भून लेते हैं। वैसे तो आटा भुना ही हुआ है हमारा पहले से, लेकिन और बढ़िया से इसको भून लेते हैं, मतलब 5 मिनट में ही अच्छे से भून जाएगा, तो कंटिन्यू चलाते ही रहेंगे अच्छा से। ये देखिए थोड़ा सा और चला लेते हैं इसको, और ये हमारा भून गया आटा, काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। बाकी थोड़ा हम और घी डाल करके हम बादाम और काजू भी भून लेते हैं। ये भी हल्के लाल हो गए हैं, और इसको निकाल लेते हैं। बाकी मैंने ये घर पे ही बनाया मेवे, जो कि अगर मेरे, मैं आपको इसका लिंक दे दूंगी अपने चैनल में कैसे बनाया जाता है, और इसको भी हल्का भून लेते हैं। ज़्यादा नहीं भुनना है, मैंने इसको हल्का सा भून के इसमें डाल दिया, बाकी सारा सामान डाल देते हैं इसके अंदर, जितने भी हमारे हैं मेवे और काजू बादाम मैंने इसमें बढ़िया से डाल के मिक्स कर दिया है। ये देखिए थोड़े अभी गर्म है, इसलिए शक्कर बाद में डालेंगे, और इसमें हरी इलायची भी डाल दी मैंने, और ये बाकी जो भुने हुए हमारे नारियल हैं उसको डाल दिया है। हाँ, अगर आपको, अगर शुगर फ्री इसमें डाल के भी बना सकते हैं, अगर शुगर नहीं डालना है आपको, तो थोड़े किशमिश डाल दिए मैंने इसमें, आपको जो जो ड्राई फ्रूट पसंद है आप वो डाल लीजिए। और अब ये थोड़े ठंडे होने के बाद मैंने इसमें अपने शक्कर जो पीसा हुआ था वो डाल दिया,
देखिए बढ़िया से इसको मिक्स कर लेते हैं। होली पे बनाइए, बहुत बढ़िया बनते हैं ये। ये देखिए बढ़िया से बकायदे से हमारा ये गुजिया में भरने के लिए बना बहुत तैयार हो गया। ये देखिए अब हम आटा इसके लिए तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने 1.5 कप कटोरी के करीब मैंने ले लिया है इसमें मैदा, और इसमें 2 कलछुल मैंने इसमें रिफाइंड ऑयल डाल दिया है। और इसको पहले मोमन लगाते हैं ताकि इससे गुजिया मतलब बहुत अच्छा रहता है, मोमन लगाना ज़रूरी होता है। ये देखिए मुट्ठी बंद रही है तो इसका मतलब मेरा मोमन परफेक्ट है। और थोड़ा थोड़ा पानी लेकर के इसको खूब बकायदे से आटे को खूब अच्छा से मार लेंगे। देखिए मेरा आटा तैयार हो गया है, काफ़ी अच्छे से इसको गूंथ लिया है मैंने। ये देखिए और इसको हम दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और अब गुजिया बनाते हैं। देखिए मैंने थोड़े से इसके पेड़े तोड़ लिए हैं और अब बेल के इसको गुजिया तैयार कर लेते हैं। इसी तरीके से मैंने सारे के सारे अपने गुजिया तैयार कर लिए हैं। देखिए और अब चेक कर लेते हैं हम, रिफाइंड ऑयल हमारा गर्म है इसलिए मैंने ज़रा सा आटा डाल के देखा इसमें तो ये तलने लायक काफ़ी अच्छे गर्म हो गए हैं। अपनी गुजिया डाल देते हैं इसमें। इसको थोड़ा हो गया तो पलट लेते हैं, पलट पलट के इसको बढ़िया से सेक लेंगे अपने गुजिया को। ये बहुत जल्दी तल जाते हैं। इस होली पे दोस्तों बनाइए गुजिया बढ़िया से और देखिए कितने अच्छे लगते हैं खाने में भी। और आप मुझे कमेंट करके बताइए कैसे बने। इस तरीके से हम अपनी सारी गुजिया तैयार कर लेते हैं। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।